जय श्री राम, जय बालाजी महाराज भक्तों। मैं बालाजी का सेवक, छोटा सा सेवक, बालाजी के यूट्यूब चैनल जिसका नाम बालाजी की कृपा है, उसमें आपका स्वागत करता हूँ। मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ, ये बहुत बड़े साधक, साधना करने वाले, या फिर जो बहुत ज़्यादा पूजा करना चाहते हैं हनुमान जी की, जिन पर समय है, बहुत ज़्यादा पूजा करना चाहते हैं, ये उनके लिए है। मैंने आपको कई बार व्रत रखने का तरीका बताया, मंगलवार के व्रत रखें, शनिवार के व्रत रखें, या मंगल और शनि दोनों के व्रत रखें, लेकिन आज मैं बताने जा रहा हूँ कुछ अलग हटके। वो क्या? वो ये, जब आपको साधना करनी है 21 दिन की, 41 दिन की, तो मंत्र जाप करते हैं सुबह शाम, जोत जला के, क्यों ना साथ में व्रत भी रखें उतने ही दिन रेगुलर के। मतलब 21 दिन की साधना है तो 21 दिन रेगुलर व्रत रखो, 41 दिन की साधना है तो 41 दिन रेगुलर व्रत रखो। बजरंग बली की कृपा तुम पर बहुत प्रचंड रूप से होगी। मैं वही बता रहा हूँ, जो करता हूँ वो बताता हूँ, जो किया ही नहीं है वो बताता भी नहीं हूँ। इशारा आप समझ गए होंगे। मैं आपको आज हनुमान जी के 41 या 21 या 11 लगातार व्रत रखने का तरीका बता रहा हूँ। वो क्या है वो सुनेंगे आप। जय श्री राम बोलते हैं, फिर शुरू करते हैं। जय श्री राम। पहले तो आपको हनुमान जी महाराज के लिए संकल्प ले लेना है कि बजरंग बली महाराज, हनुमान जी महाराज मंदिर में जाके, कि मेरा नाम ये है, मैं तुम्हारा छोटा सा सेवक हूँ, मैं तुम्हारे ये वाला साधना 21 दिन की, 41 दिन की करने जा रहा हूँ, और इस मंत्र को पढ़ूंगा, और मैं इतने दिन लगातार व्रत भी रखूँगा। ब्रह्मचर्य का तो रहेगा ही रहेगा, अंडा मांस मिर्ची लहसुन प्याज दारू बियर ये तो बंद रहेगा ही रहेगा परहेज, लेकिन रेगुलर 21 दिन या 41 दिन में व्रत रखूँगा आपके रेगुलर। वैसे विनती करके आप चाहें तो रोज 11 भी कर सकते हैं, 21 के 21 दिन, 41 के 41 दिन, विनती करके आएंगे प्रभु स्वीकार करना और मेरे घर में विराजमान होना। आइए, मेरे घर के संकटों को, मेरे संकटों को, परेशानियों को दूर कीजिए, या फिर किसी के ऊपर बहुत बुरी संकट की बाधा है उस बाधा को खत्म कीजिए। ये व्रत मैं सिर्फ इसीलिए रख रहा हूँ, ये जाप मैं सिर्फ इसीलिए कर रहा हूँ। इस तरह से संकल्प लेके घर पे आ जाएंगे, किसी भी मंगलवार या शनिवार से शुरू करेंगे। मान लीजिए आज मंगलवार है, तो जितने बीच में मंगलवार और शनिवार आएंगे वो तो व्रत मीठे रखने हैं आपको, मतलब शाम तक मीठे खाना है, शाम को मीठे खाना है। और बाकी व्रत कैसे होंगे, मतलब पहला मंगलवार है तो वो तो मीठा होगा व्रत, जैसा आप रखते हो वैसी, जैसा हमने बताया हुआ। अब सेकंड होगा ट्यूसडे, ट्यूसडे वाले दिन आपको कुछ खाना नहीं है, सुबह पूजा पाठ या मंत्र जाप या दीपक जला के सिर्फ चाय पीनी है, दैट्स इट, और कुछ नहीं, या थोड़ा सा फ्रूट। फिर सीधा शाम को, जैसे व्रत रखते हैं वैसे खाएंगे, शाम को चीनी से या जिससे भी भोग लगाया आपने उससे व्रत खोलेंगे, शाम को खोलेंगे और एक बार खाना खा लेंगे नॉर्मल वाला जो घर में बना है, बस। फिर अगले दिन फिर से सुबह पूजा पाठ जाप करके चाय पिए ओनली, और शाम को फिर मीठे से व्रत खोला और खाना खा लिया। इस तरह से 41 व्रत लगातार किए, मतलब कहने का ये है कि खाना आपको एक ही समय खाना है, मंगलवार शनिवार जितने भी आएंगे तो मीठे से ही व्रत खोलना है और एक ही बार खाना है, कुछ भी हो जाए एक ही बार। मंत्र जाप दो समय का आपने जितना भी बोल रखा होगी, 5 माला सुबह 5 माला शाम वैसे करूँगा, तो वो आप करना ही करना है आपको, जोत जला के, दीपक की जोत जला के करना है आपको। जितनी देर आप जाप करेंगे उतनी देर ही आपको मंत्र जाप करना है, उतनी देर दीपक जलनी जलना चाहिए आपको, ठीक है। और संयम से बैठ के आराम से यहाँ पे ध्यान केंद्रित करके जाप करेंगे, और जाप पूरा होने के बाद चाहें तो छोटी सी 11 करके रोज शाम के समय उस पर श्री राम जी, लक्ष्मण जी, सीता माता, भोलेनाथ परिवार और बजरंग बली महाराज के 5 लौंग के जोड़े या 1 लौंग का जोड़ा और बालाजी सरकार का 1 लौंग का जोड़ा चढ़ा सकते हैं। साथ में कोई कुल देवी देवता अगर तुम्हारे यहाँ पूजते हैं 1 जोड़ा उनका चढ़ा सकते हैं, बस। ये रोज करेंगे 21 दिन तक या 41 दिन तक, जितने व्रत रख रहे हैं आप। बजरंग बली की साधना है ये, स्पेशल साधना। इसमें क्या आपको 21 व्रत लगातार रखने या 41 व्रत लगातार रखने, कोई भी नागा नहीं होगी। मुझे ये हो गया, मुझे ये हो गया, माताएं बहनें करती हैं तो वे 21 करेंगे, जब उनका मासिक ठीक हो जाए अगले दिन से शुरू कर देंगे 21 दिन तक। जेंट्स 41 दिन तक कर सकते हैं। मंगलवार शनिवार जो आएंगे उनमें आपको चोला चढ़ा के आना है, ध्यान रखो बात को। और मंगलवार और शनिवार के व्रत मीठे होंगे, बहुत कैड़े पड़ेंगे ये, लेकिन कृपा भी बहुत कैड़ी मिलेगी तुम्हें।
माताएं बहनें आप भी सुन लीजिए, अगर आप करती हैं तो मंगलवार शनिवार के व्रत मीठे, और मंगलवार शनिवार को जो चोला चढ़ाएंगे वो आप अपने हाथ से नहीं चढ़ाएंगे, आप चोला का सामान लेकर के पंडित जी को दे देंगे या किसी लड़के को दे देंगे, कहेंगे आप चढ़ाया हो, और हनुमान जी से हाथ में सामान लेकर के विनती करेंगे, प्रभु मैं तो चढ़ा नहीं सकती, मैं इसे आपको आपके लिए भेज रही हूँ स्वीकार करना, छोटी सी भेंट, मैं तुम्हारी छोटी बहन या तुम्हारी जो भी तुम मानते हो बेटी या जो भी, ठीक है, ये आपको करना है। तो इसमें मैंने आपको बताया 21 दिन के व्रत लगातार, 41 दिन के व्रत लगातार, संकल्प पहले लेना है, और जब वो पूरे हो जाएंगे 21 दिन, तो 21 दिन पूरे करने के बाद, जाप पाठ पूरा करने के बाद 22वें दिन सुबह समापन करेंगे। समापन की वीडियो हमने डाली हुई है, 11 भोग अठावरी वगैरह ये सब चीज़ें इकट्ठी करके उसमें लगाते हैं, भोग देते हैं, प्रभु का समापन करते हैं, उसके बाद से आप नॉर्मल खाना खा सकते हैं, दो समय तीन समय जितने समय भी खाते हैं, लेकिन व्रतों में सिर्फ एक ही समय खाना खाया जाएगा। जैसे अभी मैंने पूजा पाठ करके रात के 9 बजे खाना खाया, तो अब मैं कल रात के 9 बजे ही पूजा पाठ करके खाऊंगा, नहीं तो कुछ नहीं खाऊंगा, मैं सिर्फ कल सुबह चाय पीऊंगा या फिर थोड़े से दूध पी लूंगा बस, तो छोटा मोटा फ्रूट खा लूंगा, यानी कि सारे दिन चल रहे हो तुम, खाए जा रहे हो गाय की तरह। व्रत रखो, अपने आप को बजरंग बली को दिखाओ, प्रभु छोटे बहुत थोड़ा बहुत हम आपका जितना हम पे हो पाता है उतना हम कर रहे हैं, प्रभु हम हमारे सिर पे हाथ रखें, हम पे कृपा करें, ठीक है। अच्छा, इसमें चाय कॉफ़ी दही लस्सी मीठा आप दिन में खाएं, मतलब व्रत तो मीठे ही हैं तुम्हारे, ये सारे 21 से 41 दिन तक सारे मीठे व्रत हैं। कैसे? सिर्फ मंगलवार शनिवार को छोड़ के बाकी दिन जो होंगे उस दिन आपको मीठा खाना है शुरू में, उसके बाद नॉर्मल खाना खा लेना है, लेकिन खोला तो व्रत मीठे से ना, व्रत तो मीठा ही था ना तुम्हारा, और मंगलवार शनिवार को जो खोलेंगे भी मीठे से और खाएंगे भी मीठा, परमानेंट मीठा, ठीक है। और ये बाकी के व्रत मीठा खा के नमकीन खाना खाने का मतलब ये है कि तुम्हारे शरीर में नमक की कमी ना हो इसलिए, ठीक है, वो आप कर सकते हैं, हनुमान जी सब जानते हैं। इस तरीके से आप हनुमान जी के 41-21 व्रत रख सकते हैं। जो छोटे बच्चे होंगे वो व्रत ना रखें, या 11 दिन के करें, या उनके मम्मी पापा अगर रोकते हैं तो वो ना करें, ऐसे ही मंत्र जाप करें, ऐसे ही साधना करें, और ये बहुत ज़्यादा पूजा पाठ जो करना चाहते हैं लोग वही करें, नॉर्मल वाले ना करें, जो बजरंग बली के लिए बिल्कुल पागल हैं वो। मैं तो हूँ, मैंने तो कई बार किया, ठीक है। तो ये है औरों से हटके साधना, इसमें कि आपके व्रत रेगुलर चलेंगे, ठीक है, और मंगलवार शनिवार या मंगलवार के आप रखते हैं वो रखते रहिए जैसे रख रहे थे, बजरंग बली तुम पे कृपा करेंगे, और रोज़ की रोज़ 11 करेंगे तो अच्छी बात है, और इतने दिन तक अखंड ज्योत जला के बैठ गए आप तो बहुत अति उत्तम है। 21 दिन अखंड ज्योत जला ली, 41 दिन अखंड ज्योत जला ली, 3 दिन तो और अति उत्तम है बजरंग बली के नाम से, तुम्हारे संकट अपने आप सही होते, गुत्थियाँ उलझी हुई हैं ये अपने आप खुलती हुई सुलझती हुई चली जाएंगी, बजरंग बली को सब कुछ ठीक करना पड़ेगा, वो करेंगे, उनके अलावा वो कर भी नहीं सकता, क्योंकि मैंने एक और अनुभव डाला है, डालूंगा, जिसमें दूत महाराज, बालाजी के दूत महाराज की शक्ति कितनी होती है उसके बारे में बताया गया, वो आप ज़रूर देखना। और एक चीज़ और मैं आपको बताऊँगा कि हमारे एक नया चैनल हमने बनाया, मेरा फैमिली चैनल है, जिसमें मैं भी आऊँगा, ठीक है, दीपक वंशु ब्लॉग्स, उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने माताओं और बहनों और भाभियों के फ़ोन में भी, ताकि वो नॉर्मल खाना बनाने वाला और नॉर्मल तरीके का फैमिली चैनल है, उसमें ऐसा कुछ नहीं मिलेगा आपको कि गलत या कोई चीज़ गलत चीज़ से खाना, ऐसा कुछ नहीं, सब अच्छा नॉर्मल तरीके से मिलेगा आपको, ठीक है। तो ये जो जानकारी मैंने बताई आपको व्रत वाली, वो आपको कैसी लगी ज़रूर बताना, और करते हो तो हनुमान जी से संकल्प जरूर लेना, मंदिर में जाके अनुमति जरूर लेना, घर में आपको और जो भी आप करेंगे वो उस घर में करें, ज़्यादा अच्छा है जिस घर में कोई नॉनवेज वगैरह नहीं खाता है, या फिर खाते हैं तो अलग रूम में रहते हैं, आपका रूम अलग है, अखंड जो जलाएंगे तो एक ही रूम में है, तो मतलब सोचिए आप, ठीक है ना, तो फिर ना ही करें, मैं तो ये बोलूँगा, मैं नहीं चाहता कि कोई किसी तरह की चोट लग जाए आपको, तो नॉर्मल पूजा कर रहे हैं वही करते रहिए आप, ठीक है। मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे, सारी चीज़ें मैंने इसमें बता दी हैं, मैंने माताओं और बहनों के लिए, लड़कों के लिए, सबके लिए बता दिया है। लेडीज़ हैं 21 दिन का करेंगे, लड़के 41 दिन या 21 दिन, वो चॉइस है उनके पास, ठीक है। जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज, जय जय श्री राम।